बिग बॉस 18 धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। फैंस को ये कंट्रोवर्शियल शो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है शो से जुड़े हुए कंटेस्टेंट्स के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिग बॉस के उस कंटेस्टेंट के बारे में जिसकी टूटी दो शादियां। क्या शो में होगी तीसरी शादी? जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ करणवीर मेहरा की, जो कि सोशल मीडिया पर भी रहते थे काफी एक्टिव। इतना ही नहीं, वो हमेशा से ही काफी ज्यादा रफ एंड टफ और हैंडसम लुक्स वाले रहे हैं। बता दें, हाल ही में करणवीर मेहरा ने खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी भी अपने नाम की है। तो चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में जरा कुछ चीजें डिटेल में। सुपरस्टार सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 में नजर आ रहे करणवीर अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाते हैं। करणवीर मेहरा का जन्म दिल्ली में हुआ था। करण बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, ऐसे में वो कम उम्र से ही थिएटर से जुड़ गए। इसके बाद काफी स्ट्रगल करने के बाद करणवीर ने साल 2005 से टीवी की दुनिया में शो रिमिक से डेब्यू किया। इस शो में लोगों को करण का काम काफी अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही करण मेहरा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल उन्होंने दो शादियां की। उनकी पहली शादी साल 2009 में हुई थी, हालांकि शादी के 8 साल बाद दोनों अलग हो गए। वहीं उनकी दूसरी शादी साल 2021 में एक्ट्रेस निधि सेठ से हुई। वहीं उनका ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला, साल 2023 में दोनों सेपरेट हो गए। निधि ने इस शादी के टूटने के बारे में बात करते हुए कहा था कि इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिटी थी। करणवीर मेहरा ने पहली शादी टूटने के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो पिता बनना चाहते थे, लेकिन शादी टूटने के बाद उन्होंने अपनी बहन के बच्चों को गोद लेने का सोचा। आपको बता दें, करण ने खुलासा किया था कि साल 2016 में उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस दौरान उनके पैरों में प्लेट भी पड़ी थी, इस वजह से वो काफी समय तक बेड रेस्ट पर थे। दर्द की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी, ऐसे में उन्हें सोने के लिए पीने का सहारा लेना पड़ता था। हालांकि बाद में खुद पर काबू पाया और इस लत को छुड़ाया। करण मेहरा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पवित्र रिश्ता, बातें कुछ अनकही जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुके हैं, और यहां तक कि वो बिग बॉस 18 के घर में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल, आपको करणवीर मेहरा की पर्सनालिटी कितनी पसंद आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।